लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर पहली आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में रामपुर और पीलीभीत समेत 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। ये बसपा की पहली लिस्ट है। बीएसपी ने रामपुर सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। बसपा ने सहारनपुर से माजिद अली, कैराना से श्रीपाल सिंह, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से जिशान खां, संभल से शौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मेरठ से देवव्रत त्यागी, बागपत से प्रवीण बंसल, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव, अंबाला से आवेद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद उर्फ पूल बाबू और शाहजहांपुर से डॉक्टर दोदराम वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। दरअसल इस बार बीएसपी राज्य में अकेले चुनाव लड़ रही है। बीएसपी का राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से मुकाबला है। बीते दिनों ही बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 2024 की लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का अपना पूरा स्टैंड फिर दोहराया था। तब उन्होंने चुनावी गठबंधन या तीसरे मोर्चे की बातों को अफवाह करार दिया था। मायावती ने कहा था कि बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। बीएसपी देश में लोकसभा चुनाव का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना ये घोर फेक और गलत न्यूज है। मायावती ने आगे कहा था कि मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता ना खोए, लोग भी सावधान रहें। इसके साथ ही मायावती ने ये भी कहा था कि यूपी में बीएसपी के अकेले काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने से विरोधी लोग बेचैन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।